अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एट फ्रेश फ्रॉम द ओवन्स। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो आज हम बना रहे हैं सुपर सुपर इजी मलाई बूटी। और ये जो मलाई बूटी स्कीवर्स हैं, ये बहुत ही जबरदस्त किस्म के, वेरी रिच इन टेस्ट येट सो माउथ मेल्टिंग एंड आर मेड विद लीस्ट इन्ग्रीडियंट्स एंड लीस्ट स्पाइसेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। An other perfect idea to serve your family or to start a home kitchen business, अपने मेन्यू में इंक्लूड करें एंड आई एम श्योर योर कस्टमर्स गोना लव। सो जी, ये मैंने ले लिए हैं तकरीबन 1250 ग्राम के बराबर, यानी 1.25 किलो के बराबर चिकन के थाइज हैं मेरे पास बोनलेस। और इसकी साइड्स पे आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ना फैट सा लगा हुआ है। सो ये मैं इसको रिमूव नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इस फैट की वजह से ये जो बोटी है ये बहुत ही जूसी बनेगी, पहली बात। और दूसरी बात ये कि मैंने इसको बोनलेस करा लिया था, लेकिन मैंने इसकी कटिंग खुद की है, तकरीबन 2 से 2.5 इंच के बराबर आप समझ सकते हैं इस बोटी का साइज है। और बड़े साइज की बोटी काटने का मकसद है कि ये चंकी चंकी हो। अगर हम इसे बहुत छोटा करेंगे तो एक तो ये ड्राई आउट हो जाता है जल्दी, दूसरा इसको स्कीवर्स में लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इसको मैंने तकरीबन 2.5 इंच साइज का या 2 इंच साइज का अच्छा बड़ा सा बोटी का साइज काट लिया। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 6 अदद नींबू का जूस। नींबू बहुत छोटे थे इसलिए मैंने 6 डाले हैं, आप 4 भी डाल सकते। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक फ्रेश और प्लस ग्रीन चिलीज। तीनों को मैंने मिक्स करके अच्छे तरीके से कूट लिया। तकरीबन 7 से 8 मैंने हरी मिर्चें ली छोटी वाली, और तकरीबन 5 जवे लहसुन के और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, इनको मैंने कूट लिया, वो ऐड किया। उसके बाद मैंने ऐड कर दिया है 200 ग्राम के बराबर अच्छा गाढ़ा वाला दही। देखा आप लोगों ने, मैंने नेस्ले यूज किया। फिर मैंने इसमें ऐड किया तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर ईच सोया सॉस एंड हॉट सॉस दैट इज चिली सॉस। और अब मैंने ये भी एक नया एक्सपेरिमेंट किया था विच आई जस्ट थॉट टू शेयर विद यू गाइज। ये मैंने कनौर का 1 टेबलस्पून मसाला डाला, ये वही है स्पाइसी मिक्स जो मैं हमेशा फ्राइड चिकन में भी ऐड करती हूँ। और इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 3/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड ऑलमोस्ट 1/2 टीस्पून ऑफ चिकन पाउडर। सॉल्ट मैंने क्वांटिटी में इसलिए कम रखा है क्योंकि इसमें सोया सॉस भी ऐड किया है और फिर हमने वो कनौर का स्पाइस मिक्स भी ऐड किया है और चिकन पाउडर में भी सॉल्ट होता है। सो इसलिए मैंने बहुत ही मिनिमल सी क्वांटिटी में सॉल्ट ऐड किया। ये कुटा हुआ धनिया और जीरे का पाउडर है जिसको आप, ये मैंने जूम करके दिखा दिए, इसको मैंने दरदरा सा कूट लिया था, वो 1 चम्मच भर के ऐड किया। और साथ में मैंने ऐड कर दिया 100 मिलीलीटर ऑफ फ्रेश नहीं सॉरी पैकेट वाली क्रीम, जो टेट्रा पैक की क्रीम होती है, बस मैंने ये ऐड कर दी। और आप देखिए कितने ही मिनिमल स्पाइसेस हैं। इसके अलावा मैंने इसमें किसी भी किस्म की कोई मिर्च ऐड नहीं किया क्योंकि कनौर का स्पाइस मिक्स ऐड किया, उसमें भी नमक एंड मिर्ची होती है। फिर मैंने हॉट सॉस ऐड किया, वो भी मिर्च वाली थी। फिर मैंने 6 से 7 अदद ग्रीन चिलीज भी ऐड की है कूट के, तो इस वजह से मैंने और किसी किस्म का स्पाइसी जो है फ्लेवर इसमें ऐड नहीं किया। इफ यू गाइस स्टिल वांट टू मेक इट मोर स्पाइसी, तो आप लोग इसमें कुटी हुई मिर्च, यानी जो दरदरी मिर्च होती है लाल वाली वो, या फिर ब्लैक पेपर जो होता है उसको कूट के, फ्रेश कूट के, वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बट मैंने ऐड नहीं किया बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू टेस्ट द मीट। और इसके बाद मैंने ये ले लिए हैं बैम्बू स्कीवर्स, और ये बहुत अच्छे वाले थे, मुझे इम्तियाज से मिले थे। आम जो होते हैं वो बहुत बारीक बारीक से होते हैं, बट ये बड़े थिक वाले थे जिसकी वजह से इसके ऊपर बोटी ना बहुत ही स्टेबल हो गई थी। और मैंने ये दो लिए और इस तरह से मैंने इसको स्कीवर्स में सबको पिरो लिया था। सो एक बैच मैं इसका पूरा का पूरा मलाई बोटी का कर चुकी हूँ ग्रिल, और ये सेकेंड बैच है क्योंकि ये माशाल्लाह से मेरे पास बहुत सारे स्कीवर्स थे जो ऑर्डर में जाने थे। सो आई वॉज जस्ट प्रिपेयरिंग देन, तो मैंने हाथ के हाथ ही आप लोगों के लिए रेसिपी भी रिकॉर्ड कर ली थी। सो ये हमारे सारे के सारे स्कीवर्स जो हैं ये बिल्कुल से रेडी हो चुके हैं। और एक और बात गाइस, कि अगर आप लोगों के पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप लोग इसको सादे पैन पे भी बना सकते हैं। प्लस ये कि आप चाहें तो इसको अवन में या फिर बारबेक्यू ग्रिल जो होती है कोयले, उसके ऊपर भी इसको ग्रिल सीखों पे लगा के ग्रिल कर सकते हैं। और मैरिनेट थोड़ा ज्यादा होने का मकसद ये है कि मैंने इसलिए इसको थोड़ा ऐसा रखा था ताकि बोटी के अंदर तक अच्छी तरह से जो चिकन में है ना फ्लेवर इसके चले जाए। और ये मलाई बोटी की रेसिपी इस तरह की है कि आपको, आप यू विल टेस्ट द मीट एंड यू विल टेस्ट द क्रीमीनेस ऑफ द क्रीम एंड योगर्ट एंड नॉट द टेस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ स्पाइसेस जो ओवर पावर करें और इसके फ्लेवर्स को बिठा दें। तो ये आप देखें कितने ही प्यारे, ये मेरे पास ग्रिल पैन है, इस पर मैंने 1/4 कप ऑयल ऐड किया 4 टेबलस्पून के बराबर आप समझ लें, और उस पर मैंने ये अच्छे से लगा दिए हैं ग्रिल्स की वजह अरेंज कर दिए, और इनको दोनों साइडों से अच्छा सा सिकने तक आपने इनको ईच साइड तकरीबन भी 5 से 6 मिनट के लिए ईच साइड आपने ग्रिल करना है। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है, क्योंकि बोटियां बहुत बड़े पीसेज हैं तो ऐसा भी हो जाता है कि समटाइम्स कोई ना कोई स्कीवर जो है उसको अच्छे से हीट ना लगे तो बीच में से चिकन जो है वो रॉ रह सकता है, हो भी जाता है ऐसे समटाइम्स ना, क्योंकि मेरे साथ एक आधी दफा हो भी चुका है। तो क्योंकि कभी कभार बहुत जल्दी होती है एंड यू आर डूइंग इट लाइक इन हरी, तो फिर कभी मिसिंग हो जाती है। सो जस्ट बी केयरफुल और इसको अच्छे से सेकें, अच्छे से सीखें। और क्योंकि हम लोगों ने इसमें वो कनौर का स्पाइस मिक्स ऐड किया हुआ, उससे इसमें बहुत अच्छी गलावट आ जाती है। प्लस ये थाई के पीसेज हैं जिसके ऊपर थोड़ा थोड़ा फैट भी लगा हुआ था, उसकी वजह से ये इतनी कोई मक्खन मलाई की तरह बनती है ना कि बस आप ना ही पूछें। सो इसी तरह से मैंने सारे के सारे जो स्कीवर्स हैं
इसको वो कर लिया है, ग्रिल कर लिया है। और मैंने इसके अलावा बनाए थे बारबेक्यू में कबाब्स भी बनाए थे, जिनको मैंने इससे पहले, इस बैच से पहले ही सारे के सारे मैंने फ्राई कर लिए थे, वो भी मैंने सेम इसी तरह से ग्रिल पैन पे ही किए थे। सो ये जी हमारी बेहतरीन किस्म की जूसी मलाई बोटियां बिल्कुल रेडी हैं। आप लोग देख सकते हैं इस पे कितने ही प्यारे चार मार्क्स हैं, इतना प्यारा इस पे गोल्डन कलर आया हुआ है सब पे। सारे के सारे स्कीवर्स हमारे बेहतरीन किस्म के रेडी हो चुके हैं। एक बोल में मैं ये इनको फ्राई करती जा रही थी और साथ साथ इनको एक बोल में डिश आउट कर रही थी, बिकॉज इसको अभी हम देंगे स्मोक फॉर द वेरी ऑथेंटिक बारबेक्यू फ्लेवर। और इसके अलावा ये सारे के सारे कबाब्स भी मैंने आपको जैसे कि बताया मैं पहले ही फ्राई कर चुकी थी, इन पे भी आप देखें आपको ग्रिल मार्क्स नजर आ रहे होंगे, इसी पैन पे मैंने इनको फ्राई किया। और ये मैंने इसको दे दिया है स्मोक। इसी तरह ये दूसरा वाला बैच भी, इसमें भी मैंने सारे के सारे स्कीवर्स डाल दिए थे और इसको भी अच्छे से वाइट हो जाए जब कोयला, उसको अच्छी तरह गर्म करके फिर स्मोक दें तो बहुत ही अच्छा आता है। तो ये हमारी बेहतरीन किस्म की जी बारबेक्यू बोटी रेडी है। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी और आप लोग चाहें तो इसको अपने डिनर, लंच मेन्यूज में, हाई टी मेन्यूज में, या फिर अगर आप होम किचन से बिजनेस करना चाहते हैं तो ये भी एक बहुत ही परफेक्ट आइडिया हो सकता है। टू सर्व इट विद काइंड ऑफ मसाला राइस और या फिर जैसे भी आपको प्लेन राइस, येलो राइस, किसी के साथ भी नान, रोटी पराठे के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये जी मेरे बारबेक्यू के प्लेटर्स रेडी हैं, जो कि मैंने ऑर्डर में डिस्पैच किए थे। इसके साथ और भी बहुत कुछ था विच आई विल शो यू इन सम अदर व्लॉग। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड ट्रस्ट। कीप पोरिंग योर लव एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। कीप शेयरिंग इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।